नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको इंटेस्टाइनल वर्म्स के सिम्टम्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। इंटेस्टाइन्स में अलग अलग टाइप के पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैट वर्म्स यानी कि टेप वर्म्स या फ्लूक्स, राउंड वर्म्स जैसे कि एस्कैरिस, पिन वर्म्स, हुक वर्म्स, सो ऑन। पेट में वर्म्स का इन्फेक्शन होने के लिए सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्टेड फूड खाना। अगर कोई अनहाइजीनिक खाना खा रहा है, अनहाइजीनिक फूड कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि फूड जिसमें जो गंदी जगह पे बना हो, कंटेमिनेटेड पानी से बना हो, कंटेमिनेटेड सॉइल के संपर्क में आ रहा हो, या फिर अनकुक्ड, अंडर कुक्ड, खासतौर पे मीट अगर अंडर कुक्ड हो, तो उसकी वजह से पैरासाइटिक इन्फेक्शन एक इंसान में हो सकता है। अगर कोई जानवर इन्फेक्टेड हो, वर्म्स से इन्फेक्टेड हो और उसे खाने के दौरान सही तरीके से कुक ना किया जाए, तो उस मीट की वजह से ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन एक इंसान में आसानी से आ सकता है। एक बार ये कंटेमिनेटेड खाना खाया जाए तो फिर इसके अंदर के पैरासाइट्स इंटेस्टाइन्स तक पहुंच जाते हैं। फिर एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलने के बाद ये ग्रो होने लगते हैं, धीरे धीरे करके ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं। जब इनकी मात्रा, जब इनकी क्वांटिटी सफिशियंट हो जाए, तब इनकी वजह से सिम्टम्स दिखने लगते हैं। वर्म्स की वजह से सबसे कॉमनली पेट में दर्द हो सकता है, गैस, बार बार गैस बन सकती है, खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अच्छी तरह से भूख नहीं लग पाती, खाना सही तरीके से खाने के बावजूद भी वजन कम होते जाता है, नौशिया, वॉमिटिंग हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, पेट में दर्द और टेंडरनेस भी हो सकता है। कई बार वर्म इन्फेक्शन की वजह से डायरिया के साथ डिसेंट्री भी हो सकती है। डिसेंट्री और डायरिया में थोड़ा फर्क होता है। डायरिया अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से पतला मोशन होता है, लेकिन डिसेंट्री में म्यूकस और खून भी हो सकता है। कई बार अगर वर्म्स का इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया हो तो मोशन के साथ साथ कुछ वर्म्स भी बाहर निकल आते हैं। इनकी वजह से बहुत ज्यादा एनस में इचिंग हो सकती है, एनस में बहुत रेडनेस हो सकती है। कुछ वर्म्स इतने बड़े होते हैं कि इन्हें अच्छी तरह से प्लकर से निकाला भी जा सकता है। वर्म्स की डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। फिर ज्यादातर डॉक्टर एक स्टूल के एग्जामिनेशन के लिए सुझाव देते हैं। स्टूल के एग्जामिनेशन की मदद से वर्म्स और वर्म्स के एग्स को भी डायग्नोस किया जा सकता है। इसके अलावा एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करके पेट को अच्छी तरह से फील करके भी वर्म्स की डायग्नोसिस की जा सकती है। कुछ स्पेसिफिक वर्म्स को डायग्नोस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होती है, जैसे कि पिन वर्म्स को डायग्नोस करने के लिए स्कॉच टेप नाम की एक टेस्ट कंडक्ट की जाती है। इस टेस्ट में स्कॉच टेप यानी कि सेलो टेप को एनस पे लगाया जाता है और फिर इस टेप को ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेज 3 डेज इस टेप को स्टडी किया जाता है। फिर कई बार पिनवर्म का इन्फेक्शन अगर हो तो वो इन टेप को चिपक जाती है। इंटेस्टाइनल वर्म्स की ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, खास तौर पे अगर बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो सही तरीके से टाइमली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो बच्चों की ग्रोथ को भी असर हो सकता है। अगर आपको वर्म्स की ट्रीटमेंट कैसे करवाई जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए हो तो हमारा ट्रीटमेंट फॉर वर्म्स का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।